अज 8 सितंबर 2021 नूं जिला हुशियारपुर दे विच कोविड 19 दे एक्टिव मरीजां दी गिनती 16 है। नवा अज एक केस डिटेक्ट होया है ते कोई भी डेथ कोविड दे नाल रिपोर्ट नहीं हुई। टोटल अज 2372 सैंपल्स दा रिजल्ट आया सी जिस दे विचों एक पॉजिटिव आया है। कोविड दी स्थिति लगातार कंट्रोल दे विच है, लेकिन जो असी कुछ होर स्टेट्स दे विच देख रहे हैं या ईवन कुछ होर कंट्रीज भी देख रहे हैं जिथे थर्ड वेव स्टार्ट हो चुकी है, इनू देखते हुए कोविड या प्रिकॉशनस हले भी लगातार फॉलो करना बहुत जरूरी है। तो जेकर किसी नू भी सिम्टम्स महसूस होंदे ने तां वो अपना टेस्ट जरूर करवा। बहुत एप्लीकेशन सानू आ रही ने एडमिनिस्ट्रेशन नू जो दुशहरा दे नाल संबंधित सैलीब्रेशनस करन लई या जिहड़े कोई मेले लगते ने या कुछ संस्थावां वल्लों ऑर्गेनाइज़ किए जाते दुशहरे लार्ज स्केल दे उत्ते, उस दे लई मैं यही दसना चाहूँगी कि फिलहाल कोविड दे जिहड़े ट्रेंड्स नू देखते हुए गवर्नमेंट वालों फेस्टिविटीज़ दे लई जिहड़ियां इंस्ट्रक्शनज़ है वो हजे तक जारी नहीं कीतियां गईयां, बहुत जल्द जारी कर दित्तियां जाणगीयां। जो भी इंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट वालों दित्तियां जाणगीयां कि यह सारे फेस्टिवल्स चाहे वह दिवाली है, दुशहरा है, रामलीला सैलीब्रेशन होंगे ने, इन्हों किस तरह मनाया जाना है, की रिस्ट्रिक्शन होनगियाँ, की छूट होएगी, और जो गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन होएगियाँ वो मुताबिक जिहड़ियां सारिया एप्लीकेशन या रिक्वेस्ट है ये डील कीतियां जाणगीयां, उदों तक ये पेंडिंग रखियां जा रही। कोविड के नाल नाल जिहड़ी एक होर बीमारी है जिसके लिए असी सारिया ने अवेयर रहना है ते अपनी ते अपने परिवार की प्रिकॉशन रखनी है, वो डेंगू है। क्योंकि इस वेले जो मौसम इस तरह का है, ह्यूमिडिटी दे विच जिहड़ा डेंगी का लारवा हुंदा है, डेंगी का मॉस्किटो हुंदा है, उन्नू ग्रो करन लई इह बहुत ही कन्वीनियंट ते कंड्यूसिव जिहड़ा हुंदा है इह क्लाइमेट हुंदा है। इस दे लई सानूं इह बहुत जरूरी है कि असी डेंगी दीआं जिहड़ीआं सारीआं प्रिकॉशनस है जिवें कि अपने घर दे विच या आस पास जिथे साडा जे वर्क प्लेस है, ऑफिस है, दुकान है, उत्थे जिहड़ा साफ पानी है वह किते भी इकट्ठा ना होण दईए। जे किसे तरह किसे कंटेनर दे विच, गमले दे विच या होर किसे ओपन स्पेस दे विच साफ पानी इकट्ठा हुंदा है तां उहनूं सानूं समें तों समें ड्राई करना बहुत जरूरी है। तो हाले तक डिस्ट्रिक्ट दे विच तकरीबन 200 डेंगी केसेस रिपोर्ट हो चुके ने, लेकिन जो अच्छी गल यह है कि सारे ट्रीट हो रहे हैं तो इहदे विचों कोई भी सीरीयस केस नहीं है। सिविल हॉस्पिटल दे विच डेंगी नू ट्रीट करन दा पूरा इंतजाम है ते कोई भी डेथ थैंकफुली नहीं रिपोर्ट हुई डेंगी दे नाल। लेकिन हले भी जदों तक ये मौसम इस तरह का है सानूं यह बहुत जरूरी है कि असी डेंगी वाल भी पूरी तरह ध्यान दईए। खास तौर पर जिहड़ी फॉगिंग है कारपोरेशन वालों ते कमेटियां वालों वो करवाई जा रही है उन्हां एरियाज़ दे विच जित्थों केसिस ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। पिछले हफ्ते सुंदरनगर दे विचों केसिस ज़्यादा रिपोर्ट होए सीगे, उत्थे एक मुहिम चलाई गई है, उत्थे अवेयरनेस क्रिएट की गई, घरां दी चैकिंग की गई, फॉगिंग करवाई गई है ते जिस दे नाल उत्थे केसिस काफ़ी कंट्रोल हो चुके ने। हुण चलांस की भी ड्राइव हम स्टार्ट की जा रही है क्योंकि काफ़ी अवेयरनेस डोर टू डोर जा के जी डेंगू सर्वेलेंस टीम्स ने उन्होंने की है। हूँ फिर भी जे किसी घर के किसी फैक्ट्री के किसी ऑफिस के लारवा पाया जाता है तो उत्थे रूलों मुताबिक जो है चलान कटिया जाएगा। इस तो इलावा डिस्ट्रिक्ट हुशियारपुर के कल यानी 9 तरीक तो 9 सितंबर तो मेगा रोज़गार फेयर्स रोज़गार मेले जड़े है वो स्टार्ट किए जा रहे हैं। 4 रोज़गार मेले लगनगे कल 9 तरीक नूं ज़िला रोज़गार ब्यूरो ITI कॉम्पलैक्स हुशियारपुर दे विच लगेगा, 13 तरीक नूं कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल दसूआ दे विच लगेगा, 15 तरीक नूं BDPO दफ्तर माहलपुर, 17 तरीक लास्ट जिहड़ा रोज़गार मेला है वह फिर रोज़गार दफ्तर हुशियारपुर दे विच लगेगा। ये सारे जिहड़े 4 वेन्यूज़ ने 4 तरीकों जिहड़े बहुत नामी ब्रांड ने, बहुत फेमस कंपनियां ने, वह वैकेंसीज लेके आ रही ने ना सिर्फ हुशियारपुर तो बल्कि आस पास के ज़िलों तो आस पास दी स्टेट्स तो। इस दे लई जिहड़ी पब्लिसिटी है वह पिंडां दे विच भी की जा रही है, वार्ड्स मुहल्लियां दे विच भी जानकारी दिती जा रही है। तो मैं सारे जिहड़े यूथ है जो इस फेसबुक लाइव में सुन रहे ने, मैं उन्हां नूं ये अपील करूँगी कि ये रोज़गार मेलियां दे विच जो जो नौकरी पाण दा इच्छुक है वो जरूर जावे, बहुत अच्छियां जो है जॉब ऑफर्स इत्थे मिलनगियां। सो तुसी अपने सर्टिफिकेट्स, अपना बायोडाटा लैके, अपने जॉब एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स लैके
ਇਹਨਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲਿਆਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਔਫਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਓ।